अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आई हूँ बालकनी में और पौधों को देख रही थी। गुलाब मेरा बिल्कुल सूख चुका है, पता नहीं गर्मी की वजह से थोड़े थोड़े से ही पत्ते उस पर रह रहे हैं, लेकिन शुक्र है कुछ जो है हरियाली है, मरा नहीं है अभी तक पौधा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ज़रूर थोड़े टाइम में जैसे ही मौसम सही होगा सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है मेरा एलोवेरा खूब फूट रहा है, छोटे छोटे से इसमें भी एलोवेरा जो है ना नीचे उग गए हैं, कुछ घास वास भी हो गई तो वो साफ़ कर रही हूँ, कुछ पत्ते ख़राब हो गए हैं वो भी सही कर रही हूँ। और ये गुल दोपहरी है, काफ़ी सारी कलियाँ आई हुई हैं। हालांकि ये गुल दोपहरी का जो पौधा है ना हर वक्त फूलों से लदा रहता था और कलियाँ भी रहती थी, इस बार इन पर भी ज़रा फूल कम आ रहे हैं। तो बस यही देख रही थी और बस अब चलते हैं किचन में और देखते हैं कुछ काम। तो यहाँ फलों को भिगाया है, काफ़ी सारे फ्रूट्स रखे हुए थे तो मैंने सोचा पहले इन्हें भिगो दूँ। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ उबलने के लिए रख दिया है और साथ साथ मैं चिकन मैरिनेट करूँगी, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन हलीम। और उसके साथ साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक टिप जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से रिलेटेड है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब फ्रूट्स को पकाया जा रहा होता है, वेजिटेबल्स खेतों में तैयार हो रही होती हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो अब भाई इनसे बचा कैसा जाए, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो भी मैं मार्केट से ख़रीद कर लाती हूँ उनको मैंने खुले पानी में 2 से 3 घंटा कम से कम मैं भिगो देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं या केमिकल्स वगैरह हैं उनका जो असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और हमारी जो सेहत है उसको उतना नुकसान नहीं देता। तो आप चाहें तो आप भी ये जो ट्रिक है इस्तेमाल कर सकते हैं और जो वेजिटेबल्स हैं उनको आप जो है बाद में पैट ड्राई करके और उनको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आती हूँ तो मुझे फिर उनको पैट ड्राई करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उन्हें पानी में हमने ऐसे छोड़ दिया तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, तो उनको हमने पैट ड्राई करके और फिर स्टोर करना होता है। तो बस यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो भी मैरिनेट हो रहा है और आज जो चिकन हलीम बन रहा है, तो चिकन हलीम हो या कोई सा भी हलीम हो, मटन हलीम हो, तो बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा टाइम लगता है। तो आज का मेन्यू भी मैं आपको बता दूं कि थोड़ा छोटा ही होगा। वैसे भी मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं रखती हूँ, सादा सा ही मेरा मेन्यू होता है और काफ़ी सारी चीज़ें तो कॉमन भी होती हैं। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चिकन हलीम के साथ 5 किडनी बीन्स सैलड बनाऊँगी, जो कि लोबिया की सलाद की आप कह सकते हैं, तो उसकी सलाद बनाएंगे। और फ्रूट सैलड मेरे यहाँ हमेशा होती है, यानी कि फ्रूट चाट, वो भी हम तैयार करेंगे। और साथ में जो एक ड्रिंक मैं तैयार कर रही होती हूँ, तो आज फिर से वाटरमेलन जूस है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ वाटरमेलन जूस बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आजकल गर्मी के मौसम में वैसे भी आप तरबूज दस्तरखान पे रख देंगे ना इफ्तार के टाइम, तो सब लोग तरबूज ही खाना पसंद करेंगे। तो मैं ये करती हूँ कि जूस बना लेती हूँ और उसमें जो है कुछ मसाले उसमें ऐड करती हूँ, तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और आधा घंटे बाद जो भूख लगती है ना सबको, तो बस जो खाना होता है वो बड़ा इस्तेमाल हो जाता है, मुश्किल नहीं होती। नहीं तो बच्चों को ना, बच्चे हों या बड़े हों, खाना खाना मुश्किल हो जाता है। गर्मियों के दिनों में तो आमतौर पर वैसे ही खाना मुश्किल होता है और इफ्तार और रोज़ों के दिनों में तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस इसीलिए वाटरमेलन जूस दोबारा से मैंने बनाया है। इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ कोई और रेसिपी शेयर करूँगी, कोई और ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूँगी जो इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैं जो हमारी सैलेड है उसकी तैयारी कर रही हूँ। सैलेड में मैं बहुत कॉमन सी वेजिटेबल्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जो भी मेरे घर में रखी होती हैं मैं वही इस्तेमाल कर रही होती हूँ। तो अभी जो है मैं टमाटो डाल रही हूँ सैलेड में और थोड़ी सी कैबेज डाल रही हूँ। कैप्सिकम रखी थी लेकिन बच्चे वगैरह पसंद नहीं करते तो मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो कैप्सिकम डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, अनियंस वगैरह डाल सकते हैं, लेटिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास लेटिस नहीं थी क्योंकि मैं मार्केट गई थी और बहुत सारा वेजिटेबल्स भी लेकर आई थी, लेकिन मार्केट में उतनी फ्रेश लेटिस ना होने की वजह से मैंने नहीं खरीदी, क्योंकि फिर वो काफ़ी दिन रखी जाएगी और वो मज़ा नहीं रहता जो फ्रेश का होता है।
तो बस मैं लेट्यूस नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो लेट्यूस डाल सकते हैं, पर्पल कैबेज डाल सकते हैं, और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सादा सा इन्ग्रीडियंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि आप सादगी से भी इसे तैयार कर लें, ये ना लगे आपको कि भाई ये वाली चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ पर मैं कैबेज भी काट रही हूँ, यानी कि पत्ता गोभी, और अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें सारी ही वेजिटेबल्स को। मैंने हर पत्ते को अलग करके उसे धोया है, उसके बाद में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी कट गई, कुकम्बर, जुकीनी, बहुत सारी वेजिटेबल्स होते हैं, आप इनमें जो है स्वीट कॉर्न्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा। तो अब हम तैयार कर लेते हैं ड्रेसिंग। वेजिटेबल्स तो हम काट चुके हैं, और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ऑलिव ऑयल का, करीब 2 बड़े चम्मच, यानी कि 2 टेबल स्पून करीब मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया है। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लेमन जूस करीब मैं 2 टेबल इस्तेमाल कर रही हूँ, ये उन लोगों को मैं बता रही हूँ जो रेडीमेड मार्केट वाला होता है लेमन जूस वो इस्तेमाल करते हैं, और जो मेरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उनको मैं कह देती हूँ 2 नींबू आप ले लें। तो यहाँ पर करीब मैंने 2 नींबू का रस इस्तेमाल किया है, और अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं करते तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और आप इसमें डाल सकते हैं काली मिर्च भी, लेकिन मैंने काली मिर्च नहीं डाली है। काफी सारी चीजें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं एडजस्ट। मैं यहाँ पर डालूंगी इंशाल्लाह चाट मसाला। तो चाट मसाले में काली मिर्च डली हुई है, हाँ उतनी नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत अच्छा मजा आया। तो यहाँ पर मैंने मेयोनीज डाली है 3 चम्मच, आपको मैंने मेयोनीज बनाना बताया हुआ है, आप जो है चेक कर सकते हैं पेज पर जाकर के। और अब थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला वगैरह डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, और हमारी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। अभी इसे लग रहा है कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए, और ये सच में बहुत मज़ेदार तैयार होती है और हेल्दी भी है। मैंने इसमें पनीर वगैरह इस्तेमाल किया है, तो पनीर तो वैसे भी कितना उसमें फुल ऑफ प्रोटीन होता है पनीर, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन डाल सकते हैं पनीर की जगह पर। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाला, और मैं मिक्स इसलिए कर रही हूँ कि जब ये चम्मच के उससे ना थोड़ा सा क्रश होगा तो उसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा सा मैं टमाटर को भी मिक्स करूँगी। तो अब यहाँ पर मेरी चिकन हलीम की तैयारियाँ चल रही हैं, और देखिए चिकन ना जाने के लिए तैयार नहीं है, खैर किसी तरह उसे जाना तो हो गई। तो अभी हमने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था उसे अच्छे से भून लेंगे, और मेरी दालें भी गलने मैंने रख दी हैं, गेहूँ गल चुके हैं। आज बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है हलीम बनाने में, क्योंकि हलीम वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हलीम को तैयार करने में। तो टमाटर भी मैं थोड़ा सा मैश करूँगी, हल्का सा स्पून चला देंगे, एकदम बारीक नहीं करना, तो पेस्ट जैसा बन जाए, हल्का सा क्रश कर दो, हल्का सा बिल्कुल। और यहाँ पर पत्ता गोभी डाल करके भी मिक्स कर देंगे, और साथ में डालूंगी मैं यहाँ पर वाइट किडनी बीन, यानी कि लोबिया, आप लोबिया की जगह काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें काबली चने इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आप अपनी क्रिएटिविटी देख सकते हैं। रेड किडनी बीन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको चेंज कर लें। तो ये किडनी बीन्स हैं, चना वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है इसमें, और बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं उनमें भी विटामिन मिनरल्स हमें सारा कुछ मिल जाता है। तो मैं जो हूँ कभी चने बना लिए, कभी मैंने सैलड तैयार कर ली, इस तरह से करके मैं थोड़ा सा टेस्ट चेंज करके करना पसंद करती हूँ, जिससे कि चीज़ें बोरिंग ना लगें। तो बस ये हमने यहाँ पर मिक्स कर दिया, सैलेड तैयार हो चुकी है, और मैंने उसे रख दिया है फ्रिज में, जिससे कि हम उसे ठंडा ठंडा सर्व करें।
और यहाँ पर हम चिकन भून रहे हैं, काफी हद तक भुनाई पर आ गया है। साथ साथ जो मेरी फूड चाट है वो भी तैयार हो रही है और मुझे लग रहा है कि बर्तन थोड़ा सा पड़ गया है छोटा, तो मैं जो हूँ ना इसे पलटती हूँ बड़े बर्तन में, क्योंकि बहुत सारे गेहूं और दालें वगैरह भी आएंगी तो पूरा अच्छी तरह से पक जाना चाहिए। और साथ में मेरा तरबूज रखा हुआ है जिसका मैं शेक बनाने वाली हूँ, जूस बनाने वाली हूँ, सॉरी शेक नहीं, मैं जूस बनाऊंगी। तो यहाँ पर गेहूं भी हमने ऐड कर दिए हैं और दालें भी हम ऐड करेंगे और चिकन हलीम बस थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। और साइड में मैं रख देती हूँ बघार की तैयारी करने के लिए, प्याज और जीरा वगैरह जो भी मुझे इसमें बघार करना है वो भी मैं जल्दी से रख देती हूँ। जब तक इसमें उबाल आएगा उस वक्त तक हमारा जो बघार है वो भी तैयार हो जाएगा। तो बस यही चीज़ें हैं जो सादा से मैं तैयार कर रही हूँ। आने वाला है दाल गरम गरम मैंने पलटी है तो बिल्कुल भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जल्दी से उबाला जाएगा और हलीम हमारा तैयार हो जाएगा। तो अभी तक हमारी सैलेड भी तैयार हो गई है, फ्रूट चाट तैयार हो गई है और तरबूज का जूस भी हमने तैयार कर लिया है और हमारे हलीम भी इंशाल्लाह बस थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। और बस चलते हैं फिर दस्तरखान की तरफ क्योंकि नहीं तो हो जाएगी देर, और देर से तो हमें पहुंचना ही नहीं है, टाइम पर पहुंचना होता है। मैंने आपको पहले बार में भी बताया था कि प्लीज आप भी जो है ना खाना बनाते ही ना लगे रह जाएं, वक्त से पहुंचें, दुआ मांगे, बहुत दुआएं मेरे लिए भी करिएगा, प्लीज प्लीज मेरे लिए भी दुआएं करिएगा और मैं भी आप सभी के लिए करूँगी इंशाल्लाह और करती भी हूँ। अल्लाह ताला हम सभी की दुआएं कबूल करे। ये देखिए हलीम तैयार हो गया, अब जल्दी से लगाते हैं दस्तरखान और पहुंचते हैं दस्तरखान पे। इफ्तार का वक्त हो चुका है, सारी ही चीजें लग चुकी हैं और बस यहीं पर अब हम अपना ये व्लॉग खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सिंपल सा ये व्लॉग और मेरी टिप्स और ट्रिक्स जरूर पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।